नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड 100 से अधिक कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो 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 कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवालों का लेवल बहुत ही इजी रखा गया है, बस आप एक इसको आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। इसमें कुछ सतही क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत डीप बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बहुत इसमें परीक्षा वाणी से भी रखे गए हैं और कुछ जनरल बेसिक होता है जो उत्तराखंड का, वो रखा गया है। ठीक है, तो इसमें PDF फॉर्म में ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि जो उत्तराखंड शब्द है कहाँ से लिया गया है, ये है संस्कृत भाषा का शब्द उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है हिंदी, और जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है संस्कृत, जिसको जनवरी 2010 से अपनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, और हमेशा ये 2015 से बनाया जा रहा है। ठीक है, 9 सितंबर 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है, राज्य हिमालय दिवस। तो हिमालय की जब बात आ रही, तो हम थोड़ा हिमालय के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, या इसको आप तिब्बती हिमालय या वृद्ध हिमालय, या और फिर लघु हिमालय, फिर वाल्मीकि हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आजकल पूछता है। ठीक है, जैसे कि शिवालिक जो श्रेणी है उसका पुराना नाम क्या है, मैनाक पर्वत, और शिवालिक में ढांग और दुधवा रेंज आती है उत्तराखंड की, और शिवालिक के बारे में कुछ खास बात है कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बाकी हिमालय के मुकाबले। फिर इसका लाते हैं लघु हिमालय, जो कि मसूरी या नाग टिब्बा रेंज में जो भी हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और लघु और मध्य हिमालय और वामी हिमालय के बीच में जो लाइन आती है उसको बोलते हैं मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। ठीक है, इसके बाद जो महाहिमालय है वो पड़ता है नंदा देवी, नीति और माणा पास जो हैं उस लाइन पे, जो भी हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं महाहिमालय या वृद्ध हिमालय, और यहीं भोटिया जनजाति भी इसी हिमालय पे क्या करती है, वास करती है। इसके बाद आता है ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय, ये ज़्यादातर भाग तिब्बत में इसका पड़ता है। ठीक है, जिसमें झस्कार रेंज, नंगा पर्वत, काराकोरम श्रेणी इसमें आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने करा था। ठीक है, और उस समय जो बिल पास किया गया था ये नाम बदलने वाला, ये APJ अब्दुल कलाम उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जिस एक्ट के तहत इसको अलग किया गया था वो था UP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1 अगस्त 2000 का था। ठीक है, और फाइनली अब नवंबर 9 2000 को इसको अलग कर दिया गया यूपी से। ठीक है, और फिर उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल भी कर दिया गया उसके ठीक 7 साल बाद, जो कि 1 जनवरी 2007 को बदल लिया गया। ऐसे ही उत्तराखंड क्या कर गया, 27वां राज्य बन गया देश का। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि गढ़वाल किंगडम और जो कुमाऊं किंगडम थी वो कब के समय की है, वो है मिडिवल पीरियड। ठीक है, मध्यकालीन जो समय था भारत का उसी समय की ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि रामपुर तिराहा केस कब का है, फायरिंग केस हुई थी जो रामपुर में वो हुई थी 1 से 2 अक्टूबर की जो रात थी उस दिन कुछ फायरिंग हुई थी मुजफ्फरपुर यूपी में 1994 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो पौड़ी गढ़वाल है वो 60 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। ठीक है, जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो पौड़ी ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक 7 जिलों से टच करता है। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में जैसे है IIT रुड़की, ये क्या है, एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे पुराना है। ठीक है, 1847 में इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, और जिसका पुराना नाम क्या था, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें सिविल इंजीनियर बनाए जाते थे, जो कि ऊपरी गंगा नहर है, जो अपर गंगा कैनाल, वहाँ के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तराखंड का भी और पूरे देश का भी क्या है, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT रुड़की, जिसका पूरा नाम क्या है, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि उत्तरांचल शब्द किसने यूज करा, ये है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, और दोबारा वही सवाल आ गया कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1 अगस्त 2000 का है। ठीक है, फिर ये बोलता है कि वो कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को क्या करा, उस समय साइन करा। ठीक है, उस समय थे कोचिल रमन नारायण थे। ठीक
ठीक है। कोचिल रमन नारायण उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आ जाता है कुमाऊं का जो झंडा था वो कैसा है, वो है रेड और वाइट, ठीक है। और जो गढ़वाल का झंडा था वो था हरा और सफ़ेद, जिसको बद्रीनाथ जी का पताका भी कहा जाता है और इसको गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, हिमालयन सुनामी कब आई, वो थी 16 जून 2013 को, सभी को ये याद होगा। इसके बाद आता है चिपको मूवमेंट, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू करा था, लगभग 1970 से 1974 तक ऐसे चलते रहा था, ठीक है। इसके बाद जियोग्राफी में आ जाते हैं उत्तराखंड की। दोस्तों क्वेश्चन बेसिक बेसिक है, इसलिए आप अगर आपको लगता है कि बहुत सरल है तो आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बोलता है एरिया के हिसाब से उत्तराखंड का रैंक कितना है, 19वां है, जिसका एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, 320 किलोमीटर × 385 किलोमीटर। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है 7,816 मीटर की नंदा देवी पर्वत, ठीक है। और जो सबसे छोटी है वो है शिवालिक साउथ, जो कि 190 मीटर का है, ठीक है। और जो उत्तराखंड का एरिया है वो पूरे देश का सिर्फ 1.69% है। ये सवाल बेसिक है वैसे, पर कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए मैं इनको आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद बोलता है कि समर कैपिटल, जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, वो उत्तराखंड की कौन सी है, वो है गैरसैंण, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भराड़ीसैंण। इसको सबसे पहले क्या करा गया, 25 जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम सबसे पहले चंद्रनगर रखा गया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, ठीक है। और जो अभी हाल ही में इसको अपनाया गया वो है 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा करी गई, ठीक है। और अधिसूचना जारी करी गई थी 8 जून 2020 को कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बनाई जाएगी गैरसैंण, ठीक है। और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, देहरादून। इसके बाद बोलता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो एरिया में परसेंटेज में कितना है, वो है 86.07%। और जो प्लेन प्लेन एरिया वो कितना है, 13.93%, ठीक है। और ये आप किलोमीटर स्क्वायर में भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एग्जैक्ट भी पूछता है। 4,635 किलोमीटर स्क्वायर है माउंटेन का एरिया सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि ईस्ट में उत्तराखंड के कौन सा देश है, ठीक है, नेपाल है। तो नेपाल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत से लगता है, तम चंपावत है नेपाल से टच होता है बाहरी देश से, ऊधम सिंह नगर भी क्या होता है, नेपाल से टच होता है। इसके बाद एक सवाल आता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, ये देहरादून में है। फिर बोलता है कि स्मॉल कश्मीर या छोटा कश्मीर किसको किसको जानते हैं, वो है हमारा पिथौरागढ़, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट जो तिब्बत से टच करते हैं वो है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और वो डिस्ट्रिक्ट जो यूपी से टच होते हैं वो है ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से लगते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है देहरादून और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद बोलता है कि टिफिन टॉप कहाँ है, टिफिन टॉप है नैनीताल में, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉप पहाड़ियाँ हैं 10, उनकी बारे में पढ़ेंगे। नंदा देवी 7,816 मीटर की हाइट पे है, फिर है चौखंबा पर्वत, फिर है त्रिशूल पर्वत, फिर है सत्तोपंत, फिर है केदारनाथ, फिर है पंचाचूली। पंचाचूली क्या है, कुमाऊँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 6,905 मीटर की इसकी हाइट है। फिर 7वें नंबर पे है थ्याल सागर, फिर है चंगाबांग, फिर है नंदा कोट और लास्ट में है भागीरथी। ऐसे ये 10 टॉप के क्या हैं, उत्तराखंड के चोटियाँ हैं। इसके बाद बोलता है कि जुडिशियल कैपिटल कौन सी है उत्तराखंड की, ठीक है। न्यायिक राजधानी कौन सी है, नैनीताल है। फिर बोलता है कि पूरब में कौन है, पिथौरागढ़। पश्चिम में कौन है, देहरादून। उत्तर में कौन सा है, उत्तरकाशी। और सबसे दक्षिण का हिस्सा कौन सा है, ऊधम सिंह नगर। ये भी कभी कभी पूछता है कि सबसे दक्षिण का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है ऊधम सिंह नगर, ठीक है। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट क्या है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, पिथौरागढ़। और हमारी उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो 625 किलोमीटर की है, जिसमें चाइना के साथ हम 350 किलोमीटर की क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये है
कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था पुराने समय में, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो नंदा देवी, ये कौन कौन सी हैं, सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तराखंड में कौन कौन सी है, ये नंदा देवी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व उसी में आता है। और अगला है वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स, ठीक है, यह है चमोली में और इसको 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि उत्तराखंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, यह है शारदा सागर रिजर्व है जमीन के मामले में, ठीक है, जो इसकी हाइट है सिर्फ 187 मीटर, ठीक है। उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबको पता है, चाइना और नेपाल के साथ। और उत्तराखंड में क्या है, 6 नेशनल पार्क हैं, कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजा जी, ठीक है, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री, जिसमें गंगोत्री सबसे बड़ा है और वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है सबसे छोटा है, ठीक है। और साइट सात के हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और कुमाऊँ की सबसे ऊंची चोटी जो पंचाचूली है 6904 मीटर, ये हमने पढ़ी ली, ठीक है। योग राजधानी कौन सी है, ऋषिकेश। इसके बाद बोलता है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर बोलता है कि पिंडर रिवियर जो नदी है वो अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है कर्णप्रयाग में चमोली में, ठीक है। फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी नेशनल पार्क के ही अंदर आता है, ठीक है। यह है चमोली में टच करता है बाउंड्रीज की, चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर को भी टच करती है इसकी, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बोलता है कि उत्तराखंड में जो लेजिस्लेटर है वो लेजिस्लेचर है वो किस प्रकार का, वो है 1 सदनीय यूनिकैमरल, ठीक है, और 2 सदनीय, जैसे 2 सदनीय राज्य हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद होता है, वो है बिहार, यूपी, ऐसे 7 राज्य हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो विधानसभा है वो 1 सदनीय है और जिसकी गई शुरुआत करी गई 14 फरवरी 2002 से, ठीक है, जो उत्तराखंड की विधानसभा है। और अभी जो हाल में 5वीं लेजिस्लेचर असेंबली चल रही है। फिर बोलता है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें, वो हैं 70, ठीक है, 70 MLA हैं जिसके स्पीकर अभी हैं रितु खंडूरी भूषण, पहले स्पीकर थे अंतरिम होते प्रकाश पंजी, फिर आए यशपाल आर्य जी 2002 में, ठीक है, फिर हरबंस कपूर और बीच के भी हैं, फिर लास्ट में हैं प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है, और अभी हाल में है रितु खंडूरी भूषण, ठीक है। बोलता कि लास्ट इलेक्शन उत्तराखंड में कब हुए थे, वो हुए थे 14 फरवरी 2022 को, ठीक है, और उससे पहले हुए थे 2017 में। बोलता है कि पहले अंतरिम जो असेंबली चुनाव थे वो किसने जीते थे, वो जीते थे भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। बोलता है तीसरे असेंबली जो चुनाव थे वो किसने जीते थे, वो कांग्रेस ने। बोलता है कि उत्तराखंड की राज्यसभा सीटें कितनी है, 3 है, ठीक है, जो कि है कल्पना सैनी जिनका कार्यकाल अभी 2028 तक है, फिर नरेश बंसल हैं 2026 तक, और अनिल बलूनी, इनका अभी ख़त्म होने वाला है कार्यकाल 2024 में, ठीक है। और अभी उत्तराखंड में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, 5 हैं, जिसमें अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल है। अल्मोड़ा सीट क्या है, SC सीट है जिससे अजय टमटा जी हैं, गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत हैं, नैनीताल में अजय भट्ट, हरिद्वार में निशंक और टिहरी गढ़वाल में माला राज लक्ष्मी शाह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था, ठीक है। बोलता है कि अभी तक कितने चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के हो गए हैं 9 नवंबर 2000 से, ठीक है, तो अभी तक 10 हो गए हैं टोटल चीफ मिनिस्टर। और एनडी तिवारी ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें अपना पूरा कार्यकाल पूरा करा है 5 साल का, बाकी कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जिसने अभी तक पूरा अपना कार्यकाल किया हो। बोलता है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का कौन था, वो थे नित्यानंद स्वामी, अंतरिम चीफ मिनिस्टर थे 9 नवंबर 2000 से 21 अक्टूबर 2001 तक। बोलता है कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, जो कि लगा 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, 25 दिन का था, फिर एक दिन छोड़ के फिर और लग गया था 22 अप्रैल से, दोबारा लग गया, ठीक है, गैप भी नहीं हुआ इसमें, जो कि अगले 19 दिन का था, ठीक है, 22 अप्रैल से 11 मई तक 2016 में। तो टोटल जो प्रेसिडेंट रूल था वो 44 दिन का लगा था उत्तराखंड में। इसके बाद बोलता है कि हरीश रावत कितने बार चीफ मिनिस्टर बने, जो कि 3 बार बने, ठीक है, पहले 2 साल 55 दिन के लिए, फिर सिर्फ 1 दिन के लिए। भी सवाल पूछा कि 1 दिन का CM कौन था, वो था हरीश रावत, 21 अप्रैल 2016 को ही सिर्फ 1 दिन के CM बने थे, और उसके बाद इन्होंने 311 दिन के लिए फिर
दोबारे भी सीएम रहे 11 मई 2016 ठीक है। बोला कि पहला गवर्नर कौन है उत्तराखंड का, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर वो है सुरजीत सिंह बरनाला 2000 से 2003 तक। फिर बोलता है कि उत्तराखंड के जो गवर्नर है 26 अगस्त 2018 को कौन चुनी गई, वो थी बेबी रानी मौर्य जो कि 7वें नंबर की गवर्नर थी उत्तराखंड की, ठीक है, और इस 2nd नंबर की वुमन गवर्नर भी थी। पहले नंबर की थी मार्गरेट अल्वा, दूसरे नंबर की थी बेबी रानी मौर्य, औरतों के उसमें देखा जाए तो, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर की लिस्ट है, सबसे पहले नित्यानंद स्वामी, फिर भगत सिंह कोश्यारी, फिर एनडी तिवारी जो कि रामनगर से लड़े थे, बीसी खंडूरी धूमकोट से, रमेश पोखरियाल थालीसेन से, फिर बीसी खंडूरी जी हैं, फिर विजय बहुगुणा जी सितारगंज से, हरीश रावत धारचूला से, त्रिवेंद्र रावत डोईवाला से, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी खटीमा, और अफीलाल अभी वो चंपावत से जीते हैं, ठीक है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है अभी चंपावत। 5वें नंबर के सीएम कौन है, रमेश पोखरियाल। बोलता है कि नरेंद्र दत्त तिवारी किस पार्टी से थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन बना हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत। सेकंड प्रेसिडेंट रूल 19 दिन का था, ये हमने पढ़ चुके हैं। फिर बोलता है कि 6th गवर्नर कौन है उत्तराखंड का, वो है कृष्णकांत पॉल जो कि 2015 से 2018 तक है, और फिलहाल कौन है, गुरमीत सिंह है जो कि 8वें गवर्नर हैं उत्तराखंड के, हाल में अभी जो गवर्नर चल रहे हैं वह गुरमीत सिंह। एक दिन के चीफ मिनिस्टर कौन है, हरीश रावत, ये हमने पढ़ लिया है 2016 में 21 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से, एक उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी ये भी हमने पढ़ लिया। पहली वुमन गवर्नर कौन थी, मार्गरेट अल्वा 2009 से 2012 तक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बोलता है कि 9th चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का कौन था, तीरथ सिंह रावत, जिसकी सरकार सिर्फ 116 दिन रही थी, ठीक है। अब आगे पुष्कर सिंह धामी हैं 10वें सीएम, ठीक है, जो कि 4 जुलाई 2021 से 21 मार्च 2022 तक इन्होंने अपना पहला कार्यकाल, अभी इनका अगला कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। ये वापिस हो आ गया क्वेश्चन, प्रेजेंट गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, ये मैं बता चुका हूँ, ये भी हो गया डिस्कस। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड के कितने डिवीज़न हैं, 2 डिवीज़न, गढ़वाल डिवीज़न और कुमाऊँ डिवीज़न, ठीक है, और जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी हैं, जिसमें सबसे बड़ा है चमोली और सबसे छोटा है चंपावत। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा चमोली, फिर उससे छोटा उत्तरकाशी, फिर उससे छोटा पिथौरागढ़, उससे छोटा पौड़ी, उससे छोटा नैनीताल, ठीक है, बीच के मैं नहीं लिख पाया हूँ। फिर आता है ऊधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, ठीक है। चमोली का एरिया है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। गढ़वाल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल में, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। तहसील के बारे में बोले तो पिथौरागढ़ में क्या है, 13 तहसील है जो कि सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पिथौरागढ़ में क्या है, 13 तहसील है, ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा भी पूछता है कभी कभी। रुद्रप्रयाग में कितनी है, 4 है, और चंपावत में भी 4 तहसील हैं, देहरादून में 7, यूएस नगर में भी 7, हरिद्वार में 13 हैं, अल्मोड़ा में 12 हैं, और ठीक है, और पौड़ी में भी कितनी है, 12। इसके बाद बोलता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर है सवाल कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये पड़ता है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। फिर बोलता है कि हरिद्वार कौन से डिवीज़न में है, गढ़वाल डिवीज़न में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ डिवीज़न में पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर बागेश्वर के अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ मंदिर है वहाँ पे खास, ठीक है, जहाँ पे गोमती नदी क्या करती है, मिलती है, सरयू पे जाके मिल जाती है। नेपाल के साथ कौन कौन शेयर करता है अपना बॉर्डर, वो है पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, ये हम पढ़ चुके हैं। 15 अगस्त 2011 को चीफ मिनिस्टर जो रमेश सिंह पोखरियाल थे, उन्होंने अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की कुछ मांग रखी गई थी, जो कि थे डीडीहाट, कोटद्वार, रानीखेत और यमुनोत्री, अभी बने नहीं है, चांसेज हैं इनके बनने के भविष्य में। फिर बोलता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है हरिद्वार, ठीक है, और उत्तराखंड का लोएस्ट सेक्स रेशियो कितना है, 880 है, वो भी हरिद्वार का ही है, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, अल्मोड़ा में है 1139। ठीक है, फिर बोलता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है वो है देहरादून जिसका है 84.25%, और मिनिमम किसका है उधम सिंह नगर जिसका है 73.10%। सबसे कम जो लिटरेसी रेट है उधम सिंह नगर का है, क्योंकि ये ट्राइब वाला इलाका है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं देहरादून में 84.25%। ये पुराना डेटा है, फिलहाल तो ये बदल गया, पर जब तक बदलता नहीं तब तक हमको यही पढ़ना है। इसके बाद बोलता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है गोपेश्वर में। ठीक है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है चंपावत, जिसका एरिया है 1781 किलोमीटर स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं कि बोलता है कि सर्वाधिक झील किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है उत्तरकाशी में, और सबसे कम जो वन क्षेत्र है वह है हरिद्वार में। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में कौन से लोग ज़्यादा हैं जेंडर में, मेल या फीमेल, तो क्या है पुरुष ज़्यादा हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, और रूरल जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं वो है 69.77%, ये भी 2011 के सेंसस के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तराखंड की जो रैंक है वो है 21वीं। ठीक है, और उत्तराखंड की जो डेंसिटी है वो है 189 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हरिद्वार में है 801 किलोमीटर स्क्वायर की, और सबसे कम है उत्तरकाशी में 41 किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी है। ठीक है, फिर बोलता है कि मेल्स कितने हैं पुरुष कितने 2011 सेंसस के हिसाब में, ये हैं 5 लाख जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 51,37,773, 73, सॉरी। ठीक है, फिर फीमेल के बारे में पर्टिकुलर डेटा इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दूंगा याद करने की चीज़ें। ठीक है, फिर बोलता है कि जीडीपी कितना है 2018-19 के हिसाब से उत्तराखंड का, वो है 198,738। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि जेंडर रेशियो कितना है उत्तराखंड का, वो है 963 महिलाएँ हैं पर 1,000 मेल्स में। ठीक है, ये भी 2011 के सेंसस के हिसाब में है 963 आउट ऑफ 1,000। बर्थ रेट कितना उत्तराखंड का, वो है 18.6। ये भी सभी अभी 2011 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, फिर बोलता है कि जो GSDP होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है 2005 से 2012 तक का, वो उसके बारे में पूछता है कि वो क्या हुआ, वो दुगना हो गया था। ठीक है, 2000 से 2012 के बीच में स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो डबल हो गया था। फिर बोलता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है उत्तराखंड की 2018-19 में, वो है नेशनल इनकम से, नेशनल जो एवरेज होता है इनकम का उससे ज़्यादा है। ठीक है, उससे भी हाई है। और सबसे सिग्निफिकेंट सेक्टर कौन सा है उत्तराखंड में, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, और बोलता है कि उत्तराखंड की कैश क्रॉप कौन सी है, जो नकदी फसल है वो कौन सी है, गन्ना। ठीक है, शुगर केन। और उत्तराखंड की रैंक कौन सी है सबसे तेज़ ग्रो करने वाले राज्यों में, वो है दूसरी। फिर बोलता है कि उत्तराखंड का एम्बलम कौन सा है, वो है डायमंड सील। ठीक है, एक हीरे के आकार का है। फिर बोलता है कि मोटो कितना है, मोटो क्या है उत्तराखंड का, वो है सत्यमेव जयते। इसके बाद बोलता है कि एंथम क्या है उत्तराखंड का, वो है उत्तराखंड देवी उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। ठीक है, जिसके लिरिक्स लिखे गए हेमंत बिस्त द्वारा और जिसको गाया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 नवंबर 2000 सन 2000 से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद बोलता है कि स्टेट का जो हमारा मेम वो है जानवर वो कौन है, वो है कस्तूरी मृग एल्पाइन मस्क डियर, जिसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, पूछता है। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है मस्कस चिस्टो गैंगस्टर। ठीक है, ठीक है, इसका बोलता है स्टेट बर्ड कौन सी है, ये हिमालयन मोनाल। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पिजीनियस, और ये खास बात इसकी ये है कि ये नेपाल की नेशनल बर्ड भी है मोनाल। फिर बोलता है कि बटरफ्लाई कौन सी है, स्टेट बटरफ्लाई, पहले थी कॉमन पीकॉक जिसको पेप्लियो बाई नार भी बोलते थे। ठीक है, अब इसका नाम बदल लिया गया है, यह है वोली बैंडेड पीकॉक, जिसको 2023 में नया नाम दिया गया है वोली बैंडेड पीकॉक।
कॉमन पिकॉक कब का नाम था, ये 2016 में दिया अपनाया गया था, ठीक है, कॉमन पिकॉक स्टेट बटरफ्लाई का नाम। इसके बाद बोलता है स्टेट फ्लावर कौन सा है, ब्रह्म कमल, ठीक है, जिसका लोकल नाम कॉल पद्या भी है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है सोसूरिया अल्बे अब्लेवेटा, ये भी एग्जाम में पूछता है। हमारा राजकीय स्पोर्ट्स कौन सा है, वो है फुटबॉल। फिर बोलता है कि उत्तराखंड का ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है, वो है देवभूमि मातृभूमि, हमने अभी पढ़ा सत सत वंदन, ठीक है, लैंड्स ऑफ द गॉड्स ओ मदरलैंड, जो हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नदियों के बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें, सतुपन ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, आपको पता ही है। फिर बोलता है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ है, टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर कहाँ से निकलती हैं, गंगा गंगा और यमुना, वो निकलती है गंगोत्री और यमुनोत्री से, ठीक है। ऋषिकेश से कौन सी नदी गुजरती है, वो गंगा नदी, सभी को पता है। इसके बाद बोलता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, यह है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। फिर पूछता है कि सोंग रिवर कहाँ है, यह है देहरादून में, ठीक है, जो कि एक सहायक नदी है सुसवा नदी की, देहरादून में। इसके बारे में खास बात यह है कि सोंग नदी पे ही क्या बना है, उत्तराखंड का पहला ग्रेविटी डैम बना हुआ है, जो कि जिसकी हाइट है 148 मीटर, ठीक है, यह आप याद रखेंगे कि पहला ग्रेविटी डैम था गुरुत्वाकर्षण पे जो काम करता है, वो है सोंग डैम। फिर हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, वो है टेहरी डैम, जिसकी हाइट है 260 मीटर, ठीक है, जिसको 1978 में बनाना शुरू किया था, 2006 में बन गया था, ठीक है, और जिसकी कैपेसिटी है, ये भी पूछता है, 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। टिहरी डैम बना हुआ है भागीरथी नदी पर, और टिहरी डैम के कुछ आगे जाकर क्या है, कोटेश्वर डैम है, ठीक है, जो इसी का एक छोटा सा डैम है, टिहरी डैम के आगे बना हुआ है कोटेश्वर डैम। फिर बोलता है लार्जेस्ट लेक कौन सी है कुमाऊँ की, वो है भीमताल लेक, ये सबसे बड़ी वो ताल भी है। फिर है टोंस नदी, देहरादून की टोंस नदी के किनारे क्या है, फेमस टपकेश्वर महादेव गुफा है, ठीक है, जहाँ द्रोण गुफा भी है कहते हैं उसी को, टोंस नदी भी आप याद रखेंगे, सहायक नदी है जो कि यमुना की। फिर बोलता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली में जो है, जो वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, वो पुष्पावती नदी, इसके बारे में आप जानते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी अपना नाम बदल देती है गंगा में, कौन सी नदी है, वो भागीरथी नदी, ठीक है। पंचप्रयाग कौन से हैं, पहला पंचप्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ है अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी से, ठीक है। फिर है रुद्रप्रयाग, यहाँ भी अलकनंदा कहाँ से मिलती है, मंदाकिनी से, तो इनको याद करने की ट्रिक है, सब जगह आपको अलकनंदा तो मिलेगी मिलेगी। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा कहाँ से मिलती है, पिंडर नदी से मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी नदी से, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बोलता है UTC क्या है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि 31 अक्टूबर 2003 में इसकी शुरुआत हुई। फिर बोलता है कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में, उसका कोड क्या है, वो है DED, DED दर्शाता है देहरादून को ही, जैसे आप DED डालेंगे सीधे ये आपको क्या दिखाएगा, जौली ग्रांट एयरपोर्ट, एक एविएशन की भाषा में क्या होता है, कोड दिया जाता है हर एयरपोर्ट को, वो है DED, ये आप याद रखेंगे। बोलता है उत्तराखंड के किस डिवीज़न में 2 एयरपोर्ट हैं, कुमाऊँ डिवीज़न में 2 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, पंतनगर और पिथौरागढ़ में एयर स्ट्रिप है नैनीसैनी में, ठीक है। फिर बोलता है कि नेशनल हाईवे की डिस्टेंस कितनी है उत्तराखंड में, वो है 1328 किलोमीटर। सबसे जो पास का रेलवे स्टेशन है नैनीताल से, वो कौन सा है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम क्या है, चौहान पट्टा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, चौहान पट्टा, जो कि मालदार जी ने क्या किया था, डोनेट किया था। फिर बोलता है कि विच जोन इज रुड़की रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन, ठीक है, जो रुड़की रेलवे स्टेशन है वो कौन से रेलवे का हिस्सा है, यह नदन रेलवे, ठीक है। स्टेट हाईवे का तो क्वेश्चन आ गया था शायद, 1543 किलोमीटर क्या क्या है स्टेट हाईवेज हैं, अरे वो नेशनल हाईवे था सॉरी, इससे पहले वाला उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बोलता है कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड क्या है उत्तराखंड का, ये तो अलग अलग हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे बहुत सारे हैं, आप 13 के 13 आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, जैसे नैनीताल में चलता है UK-04, पिथौरागढ़ में चलता है UK-05, देहरादून में चलता है UK-07। बोलता है कि वैली ऑफ नेशनल फ्लावर कहाँ है, हमने पढ़ चुके हैं, चमोली में उत्तराखंड के, ठीक है, जिसको फ्रैंक एस स्मिथ ने खोजा था 1931 में, ऐसा माना जाता है, पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, पर पहला नाम यही आता है फ्रैंक एस स्मिथ। 1931 में इन्होंने वैली ऑफ नेशनल फ्लावर को खोजा था। उत्तराखंड का वो कौन सा स्कूल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है, वो है ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है, जो कि मसूरी में है, देहरादून में, ठीक है, जिसको 1888 में बनाया था ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने, ठीक है, और ये इंडिया के सबसे महंगे स्कूलों में भी आता है। इसके बाद बोलता है कि छोटा चार धाम यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हैं चार छोटा धाम, ठीक है। बोलता है कि हरिद्वार का मीनिंग क्या है, गेट वे टू द गॉड, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे जो हमारे साथ क्या थे, नेशनल पार्क थे, ठीक है। सबसे पहला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क 1936, जो कि पड़ता है नैनीताल के रामनगर में, ठीक है। फिर होता है फिर है वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली के गोविंद घाट में पड़ता है ये। फिर है राजा जी, जो कि देहरादून में पड़ता है उत्तराखंड में। फिर नंदा देवी जोशी मठ में पड़ता है। फिर गंगोत्री है उत्तरकाशी में। फिर है गोविंद पशु विहार, ये है सुपिन रेंज उत्तरकाशी में पड़ता है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क, और सबसे छोटा है वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर है बिनसर वाइल्ड लाइफ, यह है अल्मोड़ा में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बोलता है कि देहरादून से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कितने दूर है, यह है 163 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोलता है कि नंदा देवी और वैली ऑफ नेशनल फ्लावर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कब मान्यता दी गई है, 2004 में, ठीक है। फिर बोलता है कि सात ताल में कितने कनेक्टेड जुड़े हुए क्या हैं, ताल हैं, ऐसे कितने ताल हैं, सात ताल हैं, सात नाम ही उसका सात ताल है। फिर बोलता है कि जिम कॉर्बेट के बीच से कौन सी नदी बहती है, वो है रामगंगा नदी, ठीक है। तो अब कुछ नदियों से रिलेटेड जान लेते हैं। पोंटिंग और नामिक हिमनद से जो नदी आके बनती है, वो है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। फिर जब पूर्वी रामगंगा शरीर से मिल जाती है, वो कहाँ मिलती है, रामेश्वर घाट, जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ के बाउंड्री पे पड़ता है, रामेश्वर घाट, जहाँ पूर्वी रामगंगा और सरयू आपस में मिल जाती है। फिर तालेश्वर फेमस है, तालेश्वर में काली नदी और कटीपानी गाढ़ मिल जाती है, ठीक है। फिर गढ़मुक्तेश्वर में काली नदी और लोहावती नदी मिलती हैं। ऐसे ही काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, कहाँ से निकलती है, काला पानी ग्लेशियर से निकलती है। काला पानी हिमनद है, जो कि पंचाचूरी बेस कैंप पर है, ठीक है। इसके बाद है काली नदी और कुंकुटी यांगती नदी कहाँ पे मिलती है, गुंजी में आके मिलती है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको पता ही होगा, मिलम ग्लेशियर फेमस है। काली नदी और गौरी नदी कहाँ पे मिलती है, गौरी गंगा, ये जौलजीबी में मिलती है, जौलजीबी पे मेला भी लगता है बहुत फेमस, ठीक है। काली और गौरी गंगा का मिलन होता है यहाँ पे। फिर है पश्चिमी रामगंगा के किनारे कौन कौन से जिले पड़ते हैं, वो है गैरसैंण, चौखुटिया, कालागढ़ और भिकियासैंण, ठीक है। जैसे गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, वो है पश्चिम रामगंगा, ये भी आप याद रखेंगे। फिर बोलता है रमन जो फेस्टिवल है, वो त्यौहार है, वो कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सलूर डोंगरा विलेज, जो कि है कहाँ, पेनखंडा वैली चमोली में पड़ता है। इसके बाद बोलता है कि कुंभ मेला कितने साल में कहाँ होता है, ये होता है हरिद्वार में, हर 12 साल में, ठीक है। पहले हुआ था 2013 में, अब होने वाला है 2025 में, ठीक है। फिर कोसी नदी कहाँ से आती है, ये आती है कौसानी, बेतालघाट, रामनगर होते हुए कोसी नदी आती है। सरयू नदी कहाँ से आती है, बैजनाथ बागेश्वर से होती हुई आती है। पूर्वी रामगंगा कहाँ से आती है, बिरथी फॉल है जो नामिक है, थल थल से होते हुए गुजरती है, ठीक है। बोलता है कि 14 जनवरी 2010 से 28 अप्रैल 2010 को हरिद्वार में क्या बनाया गया था, बोलता है पूर्ण कुंभ मेला। इसके बाद आता है हिमालय का महाकुंभ किसके कहते हैं, वो है नंदा राजात यात्रा, जो कि हर 12 साल में बनाई जाती है, इसलिए ये भी क्या है, महाकुंभ, जिसकी
कुल दूरी है 280 किलोमीटर, शुरू होती है नौटी गांव से, ख़त्म होती है रूपकुंड में, ठीक है। नौटी पड़ता है कर्णप्रयाग चमोली में, पहले हुआ था ये 2014 में। अब 2025 में भी क्या होगी, नंदा राजा यात्रा होगी, जो कि 19 जगह रुकती है, अलग अलग 19 जगह पर रुकती है, ठीक है। नंदा देवी को ही राज राजेश्वरी नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं पर। फिर आ जाते हैं उत्तराखंड के कुछ डांस, जैसे कि लांगवीर नृत्य है, ठीक है, जो कि टिहरी गढ़वाल में बनाया जाता है, बम्बू के पोल से इसमें कुछ डांस करते हैं, ठीक है। फिर है पांडव नृत्य, ये भी गढ़वाल का है। फिर हम फेमस सब जितने भी फोक डांस हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। बरदानाटी कहाँ का है, ये लाठी वाला नृत्य है, जौन साल बावर में होता है, चकराता देहरादून में, फूलदेई के अवसर में बनाया जाता है। फिर कुछ फेमस है जैसे झोरा चांचरी आपने देखा होगा, ये बागेश्वर में होता है चांचरी डांस, ठीक है। छोलिया नृत्य होता है, जो छलियाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें तलवार और ढाल से क्या करते हैं, छलिया आपस में अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। फिर है चौपाटी, ये क्या है, एक प्रेम गीत है, फोक सॉन्ग है, ठीक है, जहाँ जौनपुर टिहरी में गाया जाता है चौपाटी। वैसे ही एक और लव सॉन्ग होता है रोमाला, जो कि राजूला मालूसाही के उसमें गाया जाता है, कुमाऊँ में, ठीक है। पांडव नृत्य अभी पढ़ा हमने, जो कि बसंत पंचमी के अवसर में बनाया जाता है। लांगवी नृत्य दिवाली दशहरा के अवसर में टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है, इसमें ज़्यादातर आदमी ही भाग लेते हैं लंगवीर नृत्य में, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि जो नंदा देवी जागर है और राजूला मालूसाही का जो सॉन्ग होते हैं प्यार भरे, वो मोहन उप्रेती जी उसके लिए फेमस हैं कुमाऊँ के, ठीक है। मोहन उप्रेती जी ने क्या गाया था, नंदा देवी जागर और राजूला मालूसाही के प्रेम भरे वाले क्या गाए थे, गाथा कह सकते हैं या फोक सॉन्ग कह सकते हैं, उनको इन्होंने गाया था, ठीक है। कल्चरल एंथम कौन सा उत्तराखंड का, वो है बेड़ू पाको बारहमासा, ठीक है। फिर बोलता है बुरांस एल्बम किसकी है, नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा निकाली गई थी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के फेमस फोक आर्टिस्ट हैं। और बुरांस जैसे कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, रोडो डेंड्रॉन, ये भी आप याद रखेंगे कि रोडो डेंड्रॉन किसको बोलते हैं, बुरांस को। उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसको कहते हैं, फोक्स म्यूजिक में जो भीष्म पितामह है वो है चंद्र सिंह राही जी। इसके बाद बोलता है कि जो विदेश से रॉक बैंड आया था द बीटल्स, फेमस बीटल्स बैंड था, वो कब आया था ऋषिकेश में, जिनका एक आश्रम भी है ऋषिकेश में, ठीक है, वो आए थे फरवरी 1968 में। इसके बाद बोलता है कि जो इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो देहरादून में पैदा हुए हैं, ऐसे कौन हैं, वो हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है। फिर बछेंद्री पाल जी के बारे में सवाल है, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2019 में, ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, 23 मई 1984 को एवरेस्ट फतह करी थी, जो कि नाकुरी गांव से आती है उत्तरकाशी में, बछेंद्री पाल। फिर बोलता है कि उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं, नगर निगम है 6, जो कि है देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी काशीपुर रुद्रपुर रुड़की, 6 नगर निगम है। सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है वो है पौड़ी में पड़ती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कौन से स्टेट में देश में, वो बोलता है कि उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड में शेड्यूल ट्राइब है, एस सी कास्ट के जो लोग हैं वो कितने हैं, 2.89% है पॉपुलेशन के। फिर आता है जो कुट्टू होता है, आपने सुना होगा कुट्टू का आटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बकवीट, ठीक है, जो कि हिमालयी राज्यों में जैसे मुनस्यारी के साइड क्या क्या उगाया जाता है, ठीक है, कुट्टू का आटा ठंडी जगह पे ज़्यादातर उगाया जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड के बर्फ़ वाली जगह पे उगता है, ठीक है। बोलता है कि दूसरा कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है, वो है हिमाचल। सेम उत्तराखंड के जैसे हिमाचल प्रदेश की भी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। इसके बाद हिंदुइज्म के बाद उत्तराखंड में दूसरा जो पॉपुलर वो है रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम धर्म है। फिर आ जाती हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में, उत्तराखंड की जो फेमस शेड्यूल ट्राइब है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। यह है आपका सबसे पहले जौनसारी, जौनसारी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, जौनसार बावर में गढ़वाल में, ठीक है। फिर भोटिया जनजाति पाई जाती है पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी के हिमालय में, वृद्ध हिमालय में, ठीक है। फिर थारू जनजाति है, जो कि उधम सिंह नगर की है फेमस,
बुक्सर जनजाति देहरादून और नैनीताल में पाई जाती है। फिर राजी जनजाति है पिथौरागढ़ और चंपावत में। फिर जड़ जनजाति कहाँ है, यह उत्तर काशी की। फिर बन रावत, बन रावत फेमस है कहाँ, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर में पाई जाती है बन रावत। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेशनल मोन्यूमेंट्स। ठीक है, बोलता है कि नेशनल इंपोर्टेंस के कितने ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्तराखंड ने से मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, ऐसे 44 हैं। अब सभी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ खासकर जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे उनका मैं नाम ले लेता हूँ, जो कि है आदि बद्री ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ऐसे 16 मंदिर के टुकड़े जो अवशेष माने जाते हैं, फिलहाल 14 हैं ऐसे आदि बद्री ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। फिर है नंदा देवी जागेश्वर अल्मोड़ा में, फिर बैजनाथ में है मंदिर, ये भी आता है 44, जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, फिर ऐसे रुद्रनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में पड़ता है। फिर कलिंग और अशोका के जो मॉन्यूमेंट हैं, वो जैसे कलिंगा है करणपुर में देहरादून में, और अशोका का अशोका के जो मॉन्यूमेंट है वो कहाँ है, कालसी देहरादून में। ऐसे ही बागेश्वर के तल्ली हाट में क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर प्लस राक्षस देवल प्लस सत्यनारायण, ये 3 मंदिरों का समूह है जो कि अपनी शैली के लिए फेमस है। ठीक है, बद्रीनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहाँ पड़ता है, चमोली में, ये हम देख चुके हैं। केदारनाथ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में। अब बोलता है कि स्टेट प्रोटेक्ट है, जिनको राज्य से क्या है संरक्षण प्राप्त है, वो ऐसे 21 मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें, और खास करके हैं मंदिर ही हैं सबको, उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर, कटारमल का कटारमल मंदिर, ठीक है, जो कि कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। ऐसे ही एक टिहरी गढ़वाल में भी है रनिहाट में सूर्य मंदिर। ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो वैसे नहीं है, स्टेट प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, फिर बोलता है कि स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बजिंगा में कौन सा है, बजिंगा कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, जहाँ है नंदा देवी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। एक अल्मोड़ा में भी है जो कि चंद राजाओं द्वारा बनाया गया था, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल वाले की बात हो रही है, जो कि स्टेट है, राज्य का संरक्षण प्राप्त है इसको। फिर बोलता है कि गोपेश्वर में स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कौन सा है, यह है वैतरणी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि चमोली में पड़ता है। फिर नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट कौन सा है, जो कि 44 वालों में से आता है, वह है हनौल में चकराता देहरादून में। ठीक है, फिर एक और है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस वाला हनौल में नहीं है, सॉरी, महासू देवता का टेम्पल है। ठीक है, जिसके नेशनल इम्पोर्टेंस मिली हुई है, ये 44 जो है उनके अंदर आता है महासू देवता टेम्पल। ठीक है ना, जो कहाँ पड़ता है, बालकोट है और पुजेली में, उत्तरकाशी में। फिर ये पूछता है कि जो अशोका के एडिक्ट पाए गए देहरादून कालसी में, उनकी भाषा क्या थी, होती पाली भाषा। ठीक है, जिसमें शिलालेख कितने हैं, 1 से 14 नंबर के शिलालेख पाए गए देहरादून कालसी में। कलिंगा वाला हमने देख लिया। फिर कुछ खास सवाल नहीं है अभी। अब अगला क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, IIT रुड़की वाला। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है, देहरादून में, ये भी। ठीक है, फिर IIM कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, उत्तराखंड में काशीपुर उधम सिंह नगर में। एक IIT रुड़की है, एक IIM काशीपुर है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कब शुरू करी गई देहरादून में, यह है 1932 में, इसकी डेट भी पूछता है। उत्तराखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये किन के नाम पे, कांग्रेस की लीडर थी, CM भी रह चुकी हैं, जो कि CM की यूपी की, सॉरी। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है इंडिया की 1979 में, इसलिए उनके नाम पे रखा गया इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, फिर डून यूनिवर्सिटी कब बनाई गई, ये है 2005 की। फिर बोलता है IIFS फ्रेशर ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है, ठीक है, जहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो लवासना में। ठीक है, लवासना बोले तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ मसूरी में, जो कि जहाँ IAS की भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, फिर बोलता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है देहरादून में, वो है चंद्रबनी में, जिसकी जो कि 1906 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उत्तराखंड के, उनके भी बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूरे देश का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, वो भी देहरादून में, जो कि 1982 का है। फिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ है देहरादून में,
ये भी बनाया गया था 1976 में, जिसको दिल्ली से शिफ्ट किया गया था। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी, ठीक है, ये है 1987 की। ये इंडियन का इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज भी बोलते हैं इसको, जहाँ IFS क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनका स्टाफ रहता है यहाँ। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ बनाए जाते हैं। एक IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये डिफरेंट है, इंडियन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह है IIRS, ये भी देहरादून में है। फिर है IIP, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी देहरादून में, 1963 का है ये। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, 10, यह है 1 अक्टूबर 1932 की। ठीक है, CAU का फुल फॉर्म पूछता है, यह है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। USFA का भी फुल फॉर्म है, उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन। एक खास जो इंस्टीट्यूट है वो है नंदा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये है उत्तरकाशी में, जो कि 2011 में बनाया गया था। यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी होती है, ठीक है, बर्फ़ से रिलेटेड। एक और खास इंस्टीट्यूट है वो है जी बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, 1988 का है, जो कि कोसी कटारमल अल्मोड़ा में पड़ता है। अब बोलता है कि पंच केदार कौन कौन से हैं, पंच केदारनाथ है, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर और है कल्पेश्वर। ठीक है, जागेश्वर टेम्पल अल्मोड़ा में कितने ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, 125 टेम्पल ऐसे। ठीक है, तुंगनाथ क्या है, हाईएस्ट शिव टेम्पल है, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। फिर कार्तिक स्वामी टेम्पल कहाँ पड़ता है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आदि बद्री ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अभी पढ़ा था हमने, 44 जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, वो उनमें पड़ता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 16 ऐसे मंदिर के अवशेष पाए गए। ठीक है, फिलहाल 14 मानते हैं, तो अब ये याद रखेंगे 16 या 14। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, आदि बद्री ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। फिर बोलता है स्टेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, राज्य से संरक्षण संरक्षण प्राप्त। पैठाणी में कौन सा इंपॉर्टेंट वो है शिव टेम्पल, जिसको राहु टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि पौड़ी ब्लॉक में पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है, ब्लॉक है थालीसेन, जहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक जी की क्या थी, कंस्टिट्यूएंसी थी जब वो CM थे। ठीक है, इसके बाद है संगम, श्योलीगाड़ा और नवालिका जो है उनका संगम भी है यहीं पर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर जो उत्तराखंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है उत्तराखंड रत्न, जो पहले जिनको प्राप्त करता है वो है BD पांडे, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बोलता है कि वो ब्रिटिश एक्शन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट कौन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला जिनको 1992 में, जिन्होंने अपनी फेमस किताब लिखी अवर ट्री स्टिल गो ग्रो इन देहरा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड क्या करते हैं, देहरादून मसूरी में वास करते हैं। ठीक है, इन्हीं की किताब है अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 1992 में। फिर बोलता है कि पद्म विभूषण उत्तराखंड में किनको मिला है, ऐसे 4 लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है विनोद बिहारी मुखर्जी, फिर है भैरव दत्त पांडे, फिर है सुंदर लाल बहुगुणा जी, जो कि 2009 में मिला था, फिर है जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत मिला था 21 मार्च 2022 में। पद्म विभूषण कितनों को मिला है 2022 में, वो है एक आदमी। ठीक है, जो कि है जनरल बिपिन रावत, 2022 में मिला है। इसके बाद बोलता है कि पद्मश्री अवार्ड कितनों को मिला है, 3 लोगों को मिला है 2022 में, जो कि हैं सबसे पहले माधुरी बर्थवाल जी हैं, जिनको आर्ट में मिला है, बसंती देवी जिनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है, फिर वंदना कटारिया को मिला है हॉकी स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, फिर है 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला था पद्म विभूषण अवार्ड, ये हो गया। फिर है कि पद्म विभूषण अवार्ड उत्तराखंड, पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला उत्तराखंड से, वो है मुल्क राज चोपड़ा जी को, 1967 में सिविल सर्विसेज में के में थे। ठीक है, और उत्तराखंड की जो पहली महिला IAS है वो है ज्योति राव पांडे, ये भी आप याद रखेंगे। और जिनको सबसे पहले पद्मश्री मिला उत्तराखंड में वो कौन थे, सुखदेव पांडे, जिनको लिटरेचर में मिला 1956 में मिल गया था। बोलता है कि कितनी वुमन है जिनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड, ये मिलता है नर्सों को मिलता है। ठीक है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2022 में किसको मिला, एक वुमन को मिला। ठीक है, जिनका नाम क्या है, कमला थापा,
ये नर्सों को ही मिलता है, ठीक है, कमला थापा को 2022 में मिला है। फिर बोलता है कि राज्य महिला आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, संतोष चौहान। 2021 में दो लोगों को मिला नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है, नेशनल लेवल पे है। ANM है फर्स्ट गंगा जोशी और नर्स हैं शशिकला पांडे, इनको मिला हुआ है 2021 में। फिर हाई कोर्ट उत्तराखंड का कहाँ है, नैनीताल में है। और नैनीताल जो झील है उसके बारे में खास बात है, उसको किसने खोजा था, वो थे जो ब्रिटिशर थे पी बैरन। पी बैरन ने क्या करी थी, नैनीताल झील की क्या करी थी, खोज करी थी। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट चार्टर 1855 का, ये किसका है, लॉर्ड डलहौजी का है, ठीक है। हाल में प्रधानमंत्री जी जो पार्वती कुंड गए थे जियोली कॉन्ग, ठीक है, कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में, जिसको छोटा है आदि कैलाश की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है, आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी बोलते हैं। और देहरादून के एक डायरेक्टर हैं जिनने टाइगर जिंदा मूवी बनाई है, वो हैं अली अब्बास जफर। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देहरादून से ये डायरेक्टर हैं तो क्या पता कभी पूछ ले। फिर बोलता है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ है, मसूरी में, हम पढ़ चुके हैं, जहाँ IAS और IFS की ट्रेनिंग होती है, पूरे देश की जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, ठीक है। फिर बोलता है कि माउंटेन पास कौन सा है जो कि इंडिया और तिब्बत में लगता है, वो है माणा पास, ठीक है। माणा पास कहाँ पड़ता है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पड़ता है, बद्रीनाथ के पास में। लिपु लेक कहाँ है, ये पड़ता है कैलाश मानसरोवर के पास, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में है। फिर उस विच लेक इन उत्तराखंड इज लोकली नोन एज मिस्ट्री लेक, ठीक है। रहस्यमयी ताल कौन सा है, रूपकुंड, जिसको जहाँ कंकाल नर कंकाल पाए गए थे, यह है चमोली में। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बोलता है कि लक्ष्मण झूला किन डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश में फेमस है वो ज्वाइन करता है, ठीक है। फिर है झील के बारे में, भीमताल क्या है, उत्तराखंड की सबसे गहरी, सॉरी, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। नौकुचिया ताल क्या है, ये सबसे गहरी झील है, ठीक है, कुमाऊं की सबसे गहरी भीमताल। फिर है सस्त ताल, बड़ी ये गढ़वाल की सबसे बड़ी भी है और सबसे गहरी भी है, सस्त ताल। फिर है चंपावत टाइगर को, जो चंपावत टाइगर था, चंपावत का बाघ था, उसको किसने मारा था फेमस, वो है जिम कॉर्बेट। 6 नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा है, और गंगोत्री सबसे बड़ा ही, पढ़ चुके हैं। गढ़वाल के हिस्से में एरिया आता है 60%, ठीक है, 60 और 40 का लगभग रेशियो है। गढ़वाल के पास जो एरिया है वो है 60.67% और कुमाऊँ के पास है 39.33%, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आप याद रख सकते हैं। पहले अंतरिम जो CM थे वो नित्यानंद स्वामी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो पहले निर्वाचित CM थे वो थे नरेंद्र दत्त तिवारी, 2002 के कांग्रेस के थे लीडर। फिर है सस्त धारा जो जल प्रपात है वो कहाँ है, ठीक है, सस्त धारा फॉल्स कहाँ है, यह देहरादून में, जिसका पुराना नाम, जिसको नीरगढ़ू के नाम से भी जानते हैं, नीरगढ़ू, ठीक है। और जो हाईएस्ट फॉल है वो कहाँ पड़ता है, उसका नाम क्या है, वो है टाइगर फॉल, जो कि चकराता में पड़ता है देहरादून में। फिर बोलता है कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री देहरादून और उत्तरकाशी से लगती है। फिर कोटेश्वर डैम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 400 मेगावाट, और जो टिहरी बांध है उसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। ये 22 किलोमीटर आगे पड़ता है टिहरी नदी, टिहरी बांध के आगे, ठीक है, भागीरथी नदी पर ही है, उसी का एक सहायक डैम है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 400 मेगावाट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और टिहरी की कैपेसिटी है 1000 मेगावाट और 260 मीटर उसकी हाइट थी, ये हम पढ़ चुके हैं। पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन कनेक्ट करता है, यह है लिपुलेख पास, ठीक है। माणा पास हम पढ़ चुके हैं, नंदा देवी के पास, लिपुलेख। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिपुलेख जो है एक फूल का नाम होता है, ठीक है, लिपुलेख जो नाम पड़ा है फूल के नाम पे पड़ा हुआ है। फिर कुछ दर्रे हैं जैसे लासपा दर्रा, ये पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में पड़ता है लासपा दर्रा। ट्रेल दर्रा कहाँ पे पड़ता है, यह पड़ता है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। सुंदर डूंगा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चमोली और बागेश्वर के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऊपरी क्वेश्चन थे, बहुत गहरे तो नहीं है क्वेश्चन, तो जिनको मैंने आपके बीच में लाने की कोशिश करी।
अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।